एंड वेलकम, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां पर होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। लंबे समय से ऋतिक रोशन और टैगोर श्रॉफ की इस एक्शन भरी फिल्म वॉर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अब बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। ऋतिक रोशन और टैगोर श्रॉफ के फैंस ये सुनकर ही उत्साहित हैं कि उन दोनों के फेवरेट स्टार्स एक ही फिल्म में नजर आने वाले हैं। अब ऋतिक और टाइगर के फैंस का मजा दोगुना होने वाला है, यानी कि जबरदस्त एक्शन और जबरदस्त डांस। और वैसे ही ऋतिक और टाइगर दोनों फिल्म में नजर आने वाले हैं। ऋतिक को टाइगर अपना आदर्श मानते हैं और वे इस बात पर फूले नहीं समा रहे हैं कि ऋतिक के साथ उन्हें स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला है। वैसे वे फिल्म में ऋतिक को जोरदार टक्कर देते नजर आएंगे और फिल्म के ट्रेलर ने एक खास हंगामा मचा दिया है और इस बात को पीछे छोड़ दिया है कि इस फिल्म का कितना कलेक्शन होगा। लेकिन ये बात तो तय है कि कलेक्शन रिकॉर्ड तो जरूर तोड़ देगी। ट्रेलर देखकर कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है और वैसे भी एक्शन फिल्मों की कहानी तो सरल और सीधी होती है और वहीं एक्शन ही इसे मसालेदार बनाता है। वॉर में इंटरनेशनल लेवल के एक्शन देखने को मिलेंगे और साथ ही फिल्म के एक्शन को लेकर फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने बताया था, हम शुरू से ही भारतीय दर्शकों को फिल्म के जरिए वह एक्शन देना चाहते हैं जो उन्होंने पहले कभी ना देखा हो। और अगर बात करें फिल्म वॉर की, तो इसमें गुरु चेले की जंग काफी दिलचस्प नजर आएगी। टैगोर श्रॉफ को ऋतिक रोशन को खत्म करने का जिम्मा मिला है और वे इस बात को पूरी शिद्दत के साथ अंजाम देते नजर आएंगे। कबीर भी पहले सैनिक था, लेकिन अब वो विद्रोही बन गया है। और मजेदार की बात ये है कि खालिद को संवारने का काम कबीर ने ही लिया था। अब इन दोनों के बीच है युद्ध। ऋतिक और टाइगर दोनों के डायलॉग भी कम कमाल के नहीं है। ऋतिक रोशन कहते हैं कि खालिद कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन लगता है शायद अब वो मुझसे आगे निकल गया है। और आपको बता दें कि फिल्म वॉर रिलीज के साथ ही अब ये पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर इस साल गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस फिल्म में ऋतिक और टाइगर के अलावा वाणी कपूर, अनुप्रिया और दीपान्विता शर्मा भी नजर आएंगी और ये फिल्म हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी एक साथ रिलीज होगी। हम तो बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए। आप कितना एक्साइटेड हैं वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ आपकी जो भी राय है वो हमसे जरूर साझा कीजिए। और इसके साथ ही आप हमारे newstudios.com पर भी देख सकते हैं और YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।